जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवा का संचालन 15 जून तक स्थगित। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बस से कहीं जाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आप बस से कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बसों के आगमन में पूरी तरह से अभी रोक लगी हुई है। केवल कुछ ही मात्रा में बसें चल रही हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप 15 जून तक कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 15 जून तक सभी बसों के पर पाबंदियाँ लगा दी गई। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से 4 राज्यों के अंतर्राज्यीय बस सेवा आवागमन 15 जून तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, चार राज्यों में जो हमारी बस सेवा चलती है उनको 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बस सेवाओं का संचालन पूरी तरह से रोका गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर आप जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, राजस्थान जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं बस सेवा से, तो दोस्तों अब आप अभी नहीं जा सकते हैं 15 जून तक, क्योंकि यहाँ पर 15 जून तक पूरी तरह से रोक लगी हुई है। पहले यहाँ रोक दोस्तों 7 जून तक थी, अब लेकिन दोस्तों अब 15 जून तक की वृद्धि कर दी गई है। 15 जून तक ना तो दोस्तों इन राज्यों से बस आएंगी और ना ही दोस्तों 15 जून तक इस राज्यों से कोई भी बस आ पाएंगी और ना ही जा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इन राज्यों में जाना चाहते हैं बस सेवा के माध्यम से, तो दोस्तों अब आप नहीं आ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी पर्सनल कार होती है, पर्सनल गाड़ी होती है, उस गाड़ियों से आप जा सकते हैं, पर्सनल कार से जा सकते हैं, लेकिन बस सेवा से अभी नहीं जा सकते हैं। ट्रेन सेवा से भी जा सकते हैं, लेकिन बस सेवा भी फिलहाल बंद रखी गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी है, 15 जून तक के बाद में स्थगित हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों कोरोना संक्रमण है वो भी स्थगित हो चुका है। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।